नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून की हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। कांगड़ा जिले में बारिश का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। कांगड़ा जिले में शाहपुर के बहु इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें, भूस्खलन की वजह से यहां काफी तबाही हुई है, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, एक महिला का शव बरामद हुआ है। यहां से 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बाहर निकाले गए लोग एक ही परिवार से हैं, इनमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम अभी भी मौके पर तैनात है और राहत और बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें, भूस्खलन की चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लोग मलबे में दबे हुए हैं, ऐसे में इनके जिंदा बचने की उम्मीदें काफी कम है। फिलहाल रेस्क्यू टीम इनके बचाव में जुटी हुई है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रेवेन्यू विभाग के अनुसार 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हालांकि देर रात एक बच्ची को भी मलबे से जिंदा निकाला गया। डीसी और एसपी कांगड़ा ने भी मौके का मुआयना किया है। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि वो इलाके में बादल फटा है, यहाँ भारी भूस्खलन हुआ है। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, एक महिला का शव बरामद हुआ है। 9 से 10 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनके बचने की उम्मीद काफी कम है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और बादल फटने की संभावित घटनाओं से हुए नुकसान पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में बारिश से आई प्राकृतिक आपदा के संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की और हालात का जायजा लिया। उन्होंने प्रदेश सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।